हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सीक्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, वो सीक्रेट जान के आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, क्योंकि आपको जो आज मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ, उस सीक्रेट की वजह से आप लोगों को ना किसी दूसरे के पास या फिर किसी और के पास, या कोई चैनल लगा लो या कोई सब्सक्रिप्शन लगा लो, प्रीमियम चैनल्स लगा लो, आप किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग एक इन्वेस्टिंग पर्पस से ट्रेड करते हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो, या फिर आप कोई स्विंग ट्रेड भी लेते हो, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक सीक्रेट बताने आया हूँ। और वो सीक्रेट ये है कि फ्रेंड्स, इस सीक्रेट को जानने के बाद आप लोगों को पूरे साल के लिए आप अपने खुद के दम पे स्टॉक को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को वो सीक्रेट बताता हूँ। बट वेट 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 वेट, उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता या आपकी कोई भी ऐसी वीडियो आप मिस कर जाएं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को वो सीक्रेट स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया क्या है, एक बहुत ही बेस्ट कंट्री है शेयर मार्केट के नज़रिए से। वो क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंडियन जो कैलेंडर है, आप लोग उस पूरे कैलेंडर को उठाइए, जनवरी से लेके टिल दिसंबर तक, या फिर अप्रैल से लेके टिल मार्च तक नेक्स्ट ईयर के, यानी एक फाइनेंशियल ईयर को आप उठाइए। अब उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये देखिए कि भाई कौन से मंथ में कौन सा फेस्टिवल आता है, या फिर किस मंथ के अंदर डिमांड किस स्टॉक की या किस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, आप लोग ये चेक कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, इससे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेड्स लेनी है तो आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है, या फिर आपको कोई स्विंग ट्रेड लेनी है तो आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है। आप इससे आसानी से समझ सकते हो। अब जैसे कि हम सभी को पता है, अब चल रहा है सितंबर और नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर, यानी कि इंडियन फेस्टिवल सीजन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट मंथ में बिगनिंग हुई थी, जिसकी अगस्त के अंदर। और आप और हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर फेस्टिव सीजन जब आते हैं तो प्रोडक्ट्स की डिमांड पीक पे जाती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ डिमांड जो होती है वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके रेट भी बढ़ते हैं और उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है उस क्वार्टर सीजन के अंदर। और उसी के साथ साथ उस प्रॉफिटेबिलिटी का और उस डिमांड का इम्पैक्ट उस कंपनी के शेयर पे पड़ता है, जिससे कि वो शेयर डिमांड में आ जाता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली। अब दिवाली में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने घरों को रेनोवेट करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं और फर्नीचर्स बाय करते हैं। इसके अलावा ग्रोसरीज भी बाय होती है, और आप लोगों को पता है कि लोग नए क्लोथ्स यानी कि नए वियरिंग्स बाय करते हैं, कपड़े लेते हैं, सिलवाते हैं, क्लोथ्स बाय करते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ बहुत डिमांड में आते हैं। अब आप लोग खुद से ये सोचिए कि भाई आप किस हिसाब से प्रोडक्ट को बाय करेंगे और क्यों बाय करेंगे। अब आपको पता है कि भाई दिवाली जाने के बाद आता है समर सीज़न। अब समर सीज़न का मतलब है फेस्टिव के दौरान हॉलीडे वीक्स का आना। लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हॉलीडेज़ के आने का, और उस हॉलीडेज़ के आने के दौरान आप लोगों को एक इंडस्ट्री भी पता होगी जिसके अंदर उसकी डिमांड हाई हो जाती है। और आप सभी को पता है, आप भी जाते होगे हॉलीडे मनाने के लिए, अलग अलग जिलों में जाते होगे, अलग अलग स्टेट्स में जाते होगे, कोई ग्लेशियर्स देखने जाता है, कोई बर्फ़बारी देखने जाता है, किसी को समुंदर पसंद है, किसी को कोई अलग अलग, डिपेंड ऑन योर डिमांड एंड चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई किसको कहाँ पे जाना पसंद होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात को बोलने का,
कि भाई हॉलीडेज़ के अंदर जो है आप लोगों के लिए होटल्स डिमांड में आते हैं, और जब होटल डिमांड में आते हैं तो होटल के शेयर्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और वो शेयर बुल रन की तरह दौड़ता है ऊपर की तरफ। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि भाई मैं किस सीक्रेट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाइए, पूरा ईयर का कैलेंडर्स को देखिए, उसको समझिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को बाय कीजिए, क्योंकि वो जो स्टॉक होगा उस स्टॉक को बाय करने से पहले आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि भाई आपको उसका चार्ट एनालिसिस भी करना है, और साथ ही साथ उस कंपनी का, उस स्टॉक का आपको पूरा का पूरा एनालिसिस, रिसर्च वगैरह सब कुछ करनी है उस स्टॉक को बाय करने से पहले। किसी भी वीडियो का, किसी भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस का, या फिर किसी चैनल्स का, या आप लोगों को कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सोशल मीडियाज़ के थ्रू भी अगर पता लगता है कि आप उस स्टॉक को बाय कीजिए, तो आप उस स्टॉक को बाय करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का पैसा है, आप लोगों की कैपिटल है, आप लोगों का लॉस होगा अगर आप किसी दूसरे के उस पर बाय करोगे। तो इससे बेस्ट है कि आप खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही उसको बाय करें। मैंने आप लोगों को एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बता दी है, मैं खुद इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने अभी हाल ही में एक स्टॉक को बाय किया है। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को नाम जानने की बहुत इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। बट हाँ, आप लोगों को मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो मैंने शेयर बाय किया है, ये आने वाले कुछ महीनों का डिमांडिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट होने वाला है। ये डिमांडिंग शेयर्स में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो शेयर है ये हर जगह यूज़ होता है, हर जगह ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका डिमांड रहती है, और इसकी पीक की डिमांड अब स्टार्ट होएगी। और जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च किया है, इसको समझा है, ये आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को डिविडेंड भी दे सकता है, ये आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट मिल गया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी सीक्रेट स्ट्रेटजी बता दी है कि भाई आप कैसे अपने शेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे मंथ और पूरे ईयर के दौरान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।